कार्तिक में दीपदान। दोस्तों, महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक के प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। पुराणों में वर्णन मिलता है, पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक में दीपदान की तुलना अश्वमेध यज्ञ से की गई है। कार्तिक में घी अथवा तेल, तिल के तेल से जिसका दिया जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना। दीपदान से बढ़कर अग्नि पुराण के अनुसार दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और ना ही होगा। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण के तुलादान करने का जो पुण्य मिलता है वह पुण्य केवल दीपदान से मिल जाता है। कार्तिक में दीपदान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों का मार्ग प्रशस्त करना भी है। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 123 में महादेव कार्तिक में दीपदान का महात्म्य सुनाते हुए अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या कभी हमारे कुल में भी ऐसा कोई उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। दीपदान कहाँ करें? देवालय यानी कि मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के समक्ष, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में और अपने घर में। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वो मनुष्य सब कुछ पा लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में तथा नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरि नारायण के समक्ष और दूसरा शिवलिंग के समक्ष। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीप दान दिया उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया, ऐसा पद्म पुराण के अनुसार है। ब्रह्म वेवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीपक देता है वह जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति को पाता है, महाधनवान, नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड केदार खंड के अनुसार जो कार्तिक मास के रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला प्रज्वलित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। लिंग पुराण के अनुसार जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धापूर्वक करता है वह ब्रह्म लोक को जाता है। जो शिवजी के समक्ष एक बार भी घी का दीपक अर्पित करता है वह लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति को प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्तिपूर्वक लोहे, चांदी, तांबे अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिवजी को अर्पित करता है वह 10,000 सूर्यों के समान दैदीप्यमान विमान में शिवलोक को जाता है। अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में एक वर्ष तक दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत और न कोई होगा। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमोदित होता है। दीपदान कैसे करें? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक ले, उनको अच्छी तरह साफ कर ले। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा ले। इसके बाद प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद जब उचित समय मिले दीपक तेल, गाय का घी,
बत्ती, चावल अथवा गेहूँ लेकर मंदिर जाए। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या फिर कलावे की बत्ती इस्तेमाल करें। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूँ अथवा सप्त ध्यान का आसन दें। दीपक को भूल कर भी सीधे पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि कालिका पुराण का वर्णन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात यानी कि पैर से मारना और दीपक का ताप सहन नहीं होता और उससे मनुष्य को पाप भी लगता है। इसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय का घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। इसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें, दीपक को प्रणाम करें, दारिद्र दहन शिव स्त्रोत तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए शिवलिंग के समक्ष सनफ्लावर या कुसुम का तेल या फिर अलसी का तेल, फ्लैक्सीड का तेल का दीपक जलाएं। दीपक किस दिशा में रखें? पूर्व अथवा उत्तर दिशा में तथा लो भी इसी दिशा में रखें। दीपक की लो भी इसी दिशा में जलती रहे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पश्चिम दिशा को ना चुने, पश्चिम की तरफ दीपक का मुंह ना हो और पश्चिम की तरफ उसकी लो भी ना हो। दक्षिण दिशा में प्रतिदिन दीप जलाना मना है, केवल यम दीपदान ही होता है दक्षिण दिशा की तरफ, वो भी केवल एक दिन। कार्तिक में आकाश दीप। कार्तिक मास आने पर जो प्रातःकाल में तप्तर होकर आकाश दीप का दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में कंगूरे यानी कि शिखर या चोटी पर एक मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। दीप दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, दामोदराय विश्वाय विश्वमरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रादास्यामि व्योम दीपम हरि प्रियम। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। 5 दिन जरूर 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 दीपक का दान करें। किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ है तो 5 विशेष दिन जरूर दीपदान करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय जी को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण पक्ष, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र है। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे अथवा तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशान में, नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घी आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में दीपदान से करें ग्रहों को प्रसन्न। सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हर रविवार तथा सप्तमी तिथि को तांबे का दीपक जलाएं और सरसों का तेल का प्रयोग करें। चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार चांदी का दीपक जलाएं और घी का प्रयोग करें। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए तांबे का दीपक जलाना चाहिए और इसके अतिरिक्त चुकंदर यानी कि बीट को दीपक का आकार में बनाकर उसमें घी और बत्ती डालकर जलाने से मंगल ग्रह शांत होता है। बुध ग्रह पूजन के लिए मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए और घी का प्रयोग करें। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पीतल का दीपक जलाना चाहिए और अगर सामर्थ्य है तो सोने का दीपक भी जला सकते हैं और गाय का घी का प्रयोग करें। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए चावल के आटे का दीपक तथा नारियल के सख्त छिलके में शुद्ध घी व बत्ती डालकर दीप जलाना अत्यंत कल्याणकारी होता है। इससे शुक्र ग्रह की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। शनि ग्रह की शांति के लिए लोहे का दीपक प्रज्वलित करें और तिल के तेल का प्रयोग करें। राहु केतु के लिए
लोहे का तथा केतु के लिए मिश्रित धातु का दिया जलाना चाहिए और अलसी का तेल यानी कि फ्लैक्सीड ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में अपने विचार भी ज़रूर डालें।